आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस किए थे, रिमेंबर? यस सर। एट दैट टाइम वी डिड द वन डेरिवेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, एंड इट्स सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? रॉड का सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ml स्क्वायर अपॉन 12। ml स्क्वायर अपॉन 12। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो किस तरीके से आया है। यस सर। ओके, तो आप लोगों को मैंने रॉड के कंडीशंस क्या क्या थे और यहाँ पर आप लोगों को जो रॉड्स के बाद जो और फैक्टर जनरेट हो सकते हैं वो बताया था मैंने, और रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। शायद रिंग के सारे एप्लीकेशन भी करा दिए मैंने। ये सुनो, ये सुनो गाइस, रिंग के सारे एप्लीकेशंस कराए हैं। कितने एप्लीकेशंस कराए हैं ये बताओ आप लोग। मॉन स्पीकर 2 सर। टू? यस सर। वन इज फ्रॉम सेंटर सर एंड वन इज फ्रॉम टेंजेंट ऑफ सर्कल। ओनली टेंजेंट फॉर सर्कल? मोहम्मद ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स भूल गए शायद। सर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन भी हुआ था, और भी हुआ था कुछ, और कौन सा हुआ था? डायमीटर का। डायमीटर का तो टोटल कितने हो गए? 3 एप्लीकेशंस रिलेटेड थे रिंग से और एक उसका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या था? एम आर स्क्वायर। ओके, टेंजेंट टू द रिंग कितना था? टेंजेंट टू द रिंग कितना था? टू एम आर स्क्वायर। डायमीटर कितना था? डायमीटर आर स्क्वायर अपॉन टू। एम आर स्क्वायर अपॉन टू। टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग कितना था? थ्री अपॉन थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर। और सबका रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, आई होप यू ऑल आर नो। यस सर। एक बार सारे एप्लीकेशन गो थ्रू कर लो, क्योंकि आज जो डिस्क का फॉर्मेट करने वाले हैं हम लोग, उनके टाइप्स भी लगभग सेम है रिंग से। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा, और उसके पहले एक डेरिवेशन में आप लोगों को आज देने वाला हूं, आप लोगों को डेरिवेशंस करने हैं, समझे? सुना आप लोगों ने? यस। डेरिवेशंस दूं करने के लिए? ओके सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क दिखाई दे रहा है? यस सर। सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे डिस्क। डिस्क का मतलब होता है जो स्फीयर का सॉलिड पार्ट होता है ना, हॉलो पार्ट हम लोग रिंग ले रहे थे, उसका जो सॉलिड पार्ट है वो डिस्क है, ठीक है? तो अब डिस्क का यहाँ पर एक डेरिवेशन दिया है जिसके हेल्प से उन्होंने सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का फाइंड आउट किया है। सो लेट मी नो, ये डेरिवेशन करो,
और मुझे बताओ कि कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम का जो डेरिवेशन किया था अगर वो आप लोगों को सही तरीके से आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और जिन्होंने सिर्फ टाइम पास किया उनको कुछ भी नहीं समझेगा। विलसी कितने लोगों को समझता है? और सब लोगों से पूछने वाला हूं मैं, याद रखना सारे इक्वेशंस बराबर से करना क्योंकि सारे इक्वेशंस से रिलेटेड मैं पॉइंट्स पूछूंगा। यू मे स्टार्ट नाउ। और जिनको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे वो डेरिवेशन गिवन है। सबको डेरिवेशन दिखाई दे रहा है या नहीं? Yes, अभिषेक, हर्षदा, yes, sir, दिख रहा है। अंकुश, मोहम्मद, ओके। And if you're done, then let me know, huh? और जिसे डाउट हो वो पूछ सकता है। महालक्ष्मी, yes. डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। सर, यस सर, वो स्मॉल पैच का एरिया 2πr(dr) कैसे आया वही नहीं समझ में आ रहा है। स्मॉल पैच का एरिया 2πr(dr) फॉर्मेट पढ़ा आपने? थोड़ा ध्यान से फॉर्मेट पढ़ो कि किस जगह पे 2πr(dr) यूज किया हुआ है। डेंसिटी, ये जो सिग्मा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इनटू लेंथ। तो लेंथ की जगह पे क्या यूज किया है? डीआर सर। डीआर शायद नहीं, डीआर थिकनेस है ना उसकी। यस सर। जैसे हम लोगों ने डीएक्स लिया था वहां पे डीआर है। और एरिया की जगह पे क्या यूज किया है? 2πr। 2πr
क्लियर हुआ? समझे? यस सर। समझ में आया वो 2πr कैसे यूज किया हुआ है? देखो सबसे पहला सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है। सरफेस डेंसिटी क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, एम अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है। आफ्टर दैट वी हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ मेड ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ रेडिया इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू आर। कंसिडर वन सच रिंग ऑफ मास डी आर एंड रेडियस आर इट्स सर्फेस डेंसिटी। तो सर्फेस डेंसिटी सिग्मा विच इज इक्वल टू डी एम अपॉन टू पाई आर इंटू डी आर। तो डी एम फाइंड आउट किया है, तो डी एम फाइंड आउट किया है तो इक्वेशन मिला टू पाई आर इंटू डी आर। नाउ विल फाइंड आउट दिस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला है? डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो डी एम की जगह पे पूरा इक्वेशन पुट किया हुआ है, तो जो आर स्क्वायर था वो आर क्यूब हो जाएगा। सेम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट किया है, सो मतलब जीरो टू आर उसका कंडीशन होगा। तो सारे टर्म्स तो कॉमन हो जाएंगे, टू पाई सिग्मा कॉमन हो गया है, मतलब कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, जीरो टू आर, आर क्यूब इंटू डी आर। तो आर क्यूब में आर रेस टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बिकम अ टू पाई सिग्मा आर रेस टू फोर अपॉन फोर। अब वहां पे सिंपल तो हो गया टर्म, यस सर? नो यस सर। सिग्मा का जो भी इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया पुट कर दो, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर रेज़ टू 4 कैंसिल, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, मोहम्मद? डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या मोहम्मद? जैसे डेरिवेशन क्लियर है सर, बट वो विथ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उसमें। देखो विथ वाला वो स्मॉलर टर्म के लिए लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया है, जैसे कि हम लोगों ने रॉड में एक स्मॉल पैच लिया था, रिमेंबर? यस सर। एंड व्हिच इज हैविंग अ स्मॉल एलिमेंटल मास dm। तो वहां पर इस डिस्क में वो स्मॉल एलिमेंट को dr से डिनोट किया हुआ है और उसका मास तो सेम ही होगा, dm होगा, बट वहां पे हम लोगों ने जो dx लिया था यहाँ पर dr यूज किया हुआ है। और इसमें तो इंटीग्रेशन का नॉर्मल एकदम सबसे सिंपल फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने चाहिए। आयो सर ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझा, विथ ऑफ दिस रिंग इज dr व्हिच इज सो स्मॉल दैट द एंटायर रिंग कैन बी कंसीडर्ड टू बी ऑफ एवरेज रेडियस r। लिसन, वहां पर जो पूरा एंटायर रिंग है उसके अंदर का एक स्मॉल सा टर्म यूज किया हुआ है, उसी को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एलिमेंट। इन शॉर्ट आप याद रखो उसको। Okay, पूरा स्टेटमेंट नहीं गो थ्रू करना है आपको, मेन मेन पॉइंट, जैसे कि सिग्मा स्टार्टिंग सिग्मा क्या है, कैपिटल m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो वो स्मॉलर टर्म के लिए डेंसिटी है, राइट? स्मॉल एलिमेंटल मास का डेंसिटी है, या फिर उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज अ डेंसिटी ऑफ स्मॉल पैच। उसके बाद वी हैविंग अ सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू, वहां पर भी दिया हुआ है dm अपॉन 2 पाई r into dr, तो ये स्मॉल पैच का है और ऊपर खाली सरफेस डेंसिटी थी, तो दोनों डेंसिटीज मिल गई हैं। एक बार स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो और एक बार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो स्मॉलर वन को इंटीग्रेट करना होगा। यस सर। लेट मी नो एवरीवन, क्लियर हुआ या नहीं डेरिवेशन? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर स्मॉल पैच में वो एरिया की जगह में पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर नहीं, हाँ। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस क्यों लिखे सर? नहीं, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी है, सरफेस पाई आर स्क्वायर है, स्मॉलर एरिया यूज किया हुआ है ना हम लोगों ने। नहीं समझ में आता तो उसके ऊपर लिख के रखो, इट्स सरफेस डेंसिटी, लिख के रखो वहां पे इट इज अ सरफेस डेंसिटी, और यहाँ के एरिया को सिर्फ पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ठीक है? यस सर। और जो दूसरा फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ मेड नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ रेडिया इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू आर।
कंसिडर वन सच रिंग ऑफ मास डी एम डी आर, मतलब जो स्मॉल उसका आपने यूज किया हुआ है उस एलिमेंटल रिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जो पैचेस वाले देख रहे हो ना ये एलिमेंटल रिंग है। यस सर। इक्वेशन इक्वेशंस लिख लो। इक्वेशंस इक्वेशंस लिख लो पूरा। अंकुश अंकुश अभिषेक शुक्ला क्लियर है डेरिवेशन? डेरिवेशन क्लियर है? यस सर। हर्षदा इमा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डन ऑल? यस सर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था डेरिवेशन के लिए। सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला यहाँ पे? 1/2 mr² आपको ये सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? वैसे इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल हैं, तो ये डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर सिलेबस में है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके प्रीवियस में मैं जो डेरिवेशन कराया था वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का समझ में आ चुका होगा। यस और नो? यस सर। सो राइट डाउन क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, वो डेरिवेशन है तो आप लोग उसको घर पे अच्छी तरीके से लिख लेना, अभी अगर नहीं लिखे हो तो चलेगा। राइट डाउन क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस, moment of inertia of a circular disk about an axis through its center and perpendicular to its plane and perpendicular to its plane. question likha aap logon ne? yes sir. ये डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। एंड दैट इज आवर सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड जेड डैश इट इज आवर सेंटर पॉइंट, दैट इज आवर रेडियस आर, एंड इट्स सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी इज इक्वल टू 1/2 mr². इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो आप लोग? यस सर। निकालो, ये डायग्राम बना लो, लिख लो और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। डन ऑल? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? फैज, खुशी, ओमकार, प्राची,
So under root 1 upon 2 r. K is equal to, that is the center radius of gyration. So here we are having center moment of inertia upon m. So m r square upon 2m, where mm get cancelled and it will remain r square root cancel r upon root 2. Sabko yehi mila? Yes sir. Yes sir. Aage bade? Aage bade? Yes sir. Write down next question. अब गाइस इसको मैं थोड़ा अलग टाइप के फॉर्मेट में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये टाइप के भी क्वेश्चन की आदत लग जाए और आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको हैंडल करना है. राइट डाउन क्वेश्चन. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is m r square upon 2 is m r square upon 2 comma. मैं वापस ये point repeat करता हूँ. If moment of inertia of a thin uniform disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is m r square upon 2. लिखे आप लोगों ने? Yes sir. Show that moment of inertia of the disk, show that moment of inertia of the disk about a tangent perpendicular to its plane is आगे इस तरीके से डॉट डॉट बना दो. जो भी आप लोग फाइंड आउट करोगे यहां पे लिखोगे. ठीक है. Show that moment of inertia of the disk about the tangent perpendicular to its plane is, ya aage aisa dot bana do, jo bhi aap log tangent moment of inertia find out karoge wo is blank mein fill karoge. Is that clear everyone? Yes sir. Aage continue karo. Hence derive an expression for the radius of gyration. Hence derive an expression for the radius of gyration. Likhe? समझे क्या काम करना है? Yes sir. कितने लोग सॉल्व कर सकते हो इसको? अभिषेक, अभिनव, वैज, हर्षदा, खुशी, ओमकार, रुतिका, साइली, साक्षी, विराम, अभिषेक, त्रिपाठी, अंशुल, मोहम्मद, डू इट गाइस, लेट मी नो क्या मिलता है और उस ब्लैंक को फिल करो. इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है,
वन मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी आ सकता है सर. हाँ, 3/2 mr² यस सर, राइट है मेरा भी यही. तो उस ब्लैंक में क्या आएगा, उस ब्लैंक में कितना लिखे हैं? 3/2 mr² ही आएगा सर. ओके, डायग्राम सब सर, उसके एज में जहां पे एरो बनाए आर का, वहां और एक टेंजेंट बनाना है. ओके, तो मतलब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में ही आप लोगों को उन लोगों ने सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है. समटाइम वो लोग इस तरीके से दे देते हैं, बट आप लोगों को याद रखना है. देखो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर दो एक्सिस है तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या था? एच. सो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा? एच. एम आई राइट? सो दैट इज आवर टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी, राइट? इट्स आवर टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, पैरेलल और परपेंडिकुलर? पैरेलल. तो पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग. तो पैरेलल थ्योरम क्या था? IT is equal to mc plus mr square. मोहम्मद एप्लीकेशन में लिखने का तरीका, सॉरी अभी भी गलत है, mh square. इस तरीके ये याद रखो कि इस तरीके से लिखना है. फाइंड आउट क्या करना है? टेंजेंट, और किससे पैरेलल है? सेंटर से. सेंटर. ओके, तो यहाँ पे क्या था? mr² / mr² सो इट विल बिकम अ 3/2 mr² राइट? यस सर. व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन देन? √3/2 r. √3/2 r मिला सबको? यस सर. यस और नो एवरीवन? अभिनव अभिनव यस सर. समझ में आया आपको? अंकुश यस सर. ओके, रब करूं आगे बढ़े? यस सर. यस सर. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एज सब फिल इन द ब्लैंक कर दो. रिपीट करो क्वेश्चन. Taking moment of inertia of uniform circular disk about an axis. Sorry, Ankush. Yes sir. Continue sir. क्या बोल रहे हो अंकुश? सर मैंने बोला, मोहम्मद बोला. Okay. Continue. सुनो वापस. Taking moment of inertia of uniform circular disk about an axis passing through its center as, लिखे यहां तक? Yes sir. Give that dot dot marks over there. जिससे पूछूंगा वही बताएगा, fill in the blanks. Comma. Show that moment of inertia of the disk. Show that moment of inertia of the disk about its diameter is. About its diameter is. Give the again blank. ये dot dot marks वापस दे दो. लिखे? Yes sir. And its radius of gyration is. And its radius of gyration is. And its radius of gyration is, give the third, ये blank marks वापस दे दो.
अब ये तीनों एमसीक्यूज को फिल करने हैं आपको, तीनों ब्लैंक्स को. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, स्टार्ट डूइंग इट. डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रहे. Done everyone? Hello. Yes, I'm listening it. Mila? Sir, mera meeting connect ho gaya tha sir, ek baar aap wapis. Abhinav? Yes, sir. Disc ka diameter find out karna hai aur uska radius of gyration, theek hai? ओके सर. क्वेश्चन लिखे थे आप? क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन भी नहीं लिखा. ठीक है, आप डायमीटर फाइंड आउट करो, डिस्क का डायमीटर और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करो. ठीक है. ओके सर. Done all? Yes, sir. Ankush, Omkar, Abhishek, Prachi, Harshada. Speak up, guys. Yes, sir. Kar rahe. ओके, डू इट, डू इट. आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा. याद रखना गाइस, इस तरीके से आप लोगों को एमसीक्यूज भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. First में क्या लिखूं? First blank में क्या fill करूं? Mr square upon 2. Mr square upon 2, because it is the center moment of inertia of the disc, right? कितने लोगों का right है?
मेरा सर ओके सर नेक्स्ट क्या था mr square upon 4 ओके यस सर राइट है मेरा राइट है मेरा भी राइट है सर ओके थर्ड r by 2 लेट मी नो कितने लोगों ने ये सॉल्व किया और सबका बराबर है जिन्होंने नहीं किया वो लोग पूछ सकते हो सेम गाइस जैसा मैंने रिंग का कराया था ना सेम डिस्क का है खाली वो हॉलो था ये सॉलिड है इसलिए सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया है जिसकी वजह से आगे के सारे टर्म चेंज हो रहे हैं बस उतना ही फर्क है बाकी डायग्राम सेम ही होगा अभिषेक शुक्ला यस सर हुआ तीनों यस सर राइट है ओके फैज खुशी ओमकार प्राची यस सर राइट है यस सर राइट है प्रज्वल रुतिका प्रज्वल रुतिका साक्षी वैभव और कुछ लोगों ने तो अपना माइक ही नहीं ऑन किया हुआ है अभी तक ओके शैल वी मूव एवरीवन यस सर आगे बढ़ जाएं यस सर आगे बढ़ जाएं प्रोसीड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अगर किसी भी टर्म्स में प्रॉब्लम होगी तो पूछना जरूर है ओके यस सर ओके राइट इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एनी डायमीटर इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एनी डायमीटर इज अबाउट एनी डायमीटर इज समझ में आ रहा क्या करना है यस सर पुट द डॉट 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 ओवर देयर show that its moment of inertia about a tangent parallel to diameter is samajh rahe ho kya karna hai Yes, sir. Put the second dot dot dot. वापस fill in the blank बना दो. And its radius of gyration is. Dot 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 dot. Yes. ये आप लोगों के board exam की practice. कि किस तरीके से एमसीक्यूज या फिर वन मार्क के क्वेश्चंस को हैंडल करना है और याद रखना ये सारे जो एप्लीकेशंस आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो इनको फाइंड आउट करने का सिर्फ तरीका मतलब सिर्फ डायग्राम आपको पता होना चाहिए नो मैटर आप लोगों को याद रहे या ना रहे लेकिन एक चीज याद रखनी पड़ेगी सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चाहे रॉड हो रिंग हो डिस्क हो स्पीयर हो सिलेंडर हो कोन हो कुछ भी हो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ याद रहना चाहिए और अगर डायग्राम बनाने आता है तो डेफिनेटली आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे ढूंढ लोगे इसे यस सर गो फॉर इट
डन सर यस सर डन एवरीवन यस सर वेट सर वेट सर यस आई एम वेटिंग Done, sir. Done all. Done, sir. Yes, sir. Okay. Let me know. First one. MR square upon 4. MR square upon 4, that is the diameter of the disc. Right? Yes, sir. Next. Yes, sir. 5 MR square upon 4. 5 upon 4 MR square. 5 by 4 MR square, right? Yes, sir. Okay. Last radius of variation. Under root 5 by 4 into R. Under root 5 by 5 into R. क्या ये सबको बराबर मिला है क्या? Yes, sir. Same diagram. जैसा आप लोगों ने ring में find out किया था, same वैसा ही diagram है यहाँ पर भी. अब किसी को इन तीनों वैल्यूज में कोई भी डाउट हो, अगर किसी ने नहीं फाइंड आउट किया है तो लेट मी नो. कम ऑन स्पीक अप एवरीवन. खुशी खुशी आपको समझ में आया? यस सर. राइट है सारे? हां सर. ओके गुड. Okay. Sir, okay, radius. Sir, radius of variation R. Sir, radius of variation R upon 2 root 5 है ना? R upon 2 root 5. हाँ तो मतलब वही हो गया ना, root 5 upon 2 into R. हाँ sir, confused हो गया था. Confused मत रहो. Okay sir. ये application देखो बहुत ही ज़्यादा complicated terms में लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही simple है. इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोगों को मैंने करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कहाँ पे क्या चीज है, और बार बार मैं फिल इन द ब्लैंक दे के आप लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पहले वाला टर्म आपने क्या सॉल्व किया है, ताकि वो आपको याद रहे और ये भी पता रहे कब कौन सा एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है. एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है. यस और नो? यस सर. यस सर. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कब कब कौन से क्वेश्चन में कौन से टर्म्स डिपेंडेंट है? Yes, sir. अब गाइस जो आप लोगों के एप्लीकेशंस मर्ज कर दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उन्हीं को मैं अलग अलग करके आप लोगों को दे रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना. ये डिस्क के तीन एप्लीकेशंस थे. सबसे पहला इसका जो स्टैंडर्ड टर्म था वो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो है हाफ एम आर स्क्वायर. बस आपको इतना याद रखना है. अगर टेंजेंट बोल दिया है तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इट विल बिकम अ 3/2 एम आर स्क्वायर. अगर डायमीटर पूछा है तो डायमीटर आप लोगों को रिंग के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है. अगर टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द डिस्क पूछा है तो आपको डायमीटर से पैरेलल ड्रॉ करना है. इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब टोटल 4 वैल्यूज हैं डिस्क की. टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 4, जिसमें एक सेंटर है, एक टेंजेंट है, एक डायमीटर है, एक टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द डिस्क है. इज दैट क्लियर गाइस? सर एक बार रिपीट करोगे सर? देखो ध्यान से सुनो, एक सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है, यस और नो? यस सर. क्या मिला? क्या मिला वो? m r square upon 2. वेरी नाइस. उसके बाद हमारे पास टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क था, क्या था वो? p upon 2 m r square. फिर उसके बाद डायमीटर था, क्या था डायमीटर? m r square upon 4. उसके बाद टेंजेंट टू द सर्कुलर डिस्क था, वो क्या है? 5/4 mr square. तो मतलब एक सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क के तीन एप्लीकेशन. इज दैट क्लियर? ओके सर. तो सेम जितने एप्लीकेशन यहाँ पर थे उतने ही एप्लीकेशन रिंग में भी थे,
और दोनों का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, रिंग का एमआर स्क्वायर है और डिस्क का हाफ एमआर स्क्वायर है। यस सर। समझ में आए? यस सर। यस सर। एप्लीकेशंस क्लियर हैं सबको डिस्क के? यस सर। यस सर। नो सर, मुझे नो सुनाई दिया। यस सर। यस सर। किसी ने नो बोला है? भाई जिसने नो बोला है वो क्लियर कर लो, जो भी एप्लीकेशन में डाउट है। पक्का आगे बढ़ जाएं? यस सर। यस सर। ओके, सो राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऑफ सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। About its own axis of symmetry. लिखे? सर एक बार रिपीट करो सर। Expression for moment of inertia of solid cylinder or hollow cylinder. Solid cylinder or hollow cylinder about its own axis of symmetry. About its own axis of symmetry. About its own axis of symmetry. लिखे सबने? Yes sir. Okay. अब guys यहाँ पे solid और hollow दोनों हैं, तो दोनों के अलग अलग values होंगे, तो जरा ध्यान देना है आप लोगों को। So that is our symmetry axis, guys. इसको center नहीं समझना, ये symmetry axis है जो मतलब इस cylinder को दो part में divide कर देती है, okay? So that is our symmetry axis and it is having a length capital L, okay? And that is the That is our radius R. Is that clear, guys? अब यहाँ पे जो symmetry moment of inertia है, जरा ध्यान देना हाँ। अगर ये solid है, अगर solid cylinder है, ठीक है? अगर solid cylinder है, तो 1/2 m r square, मतलब ये किसकी तरह है? Disc की तरह। किसकी तरह है ये? Disc की तरह। जो डिस्क था हमारे पास, डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है ना आप लोगों को? एमआर स्क्वायर अपॉन 2। समझे? सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह है? डिस्क की तरह। याद रहेगा डिस्क? Yes, मतलब sir. आप लोगों को वहां पे मर्ज किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? अब उसके बाद है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है, तो जो हॉलो सिलेंडर है वो रिंग की तरह होगा, मतलब एम आर स्क्वायर, ठीक है? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ये रिंग की तरह होगा, याद रहेगा, ये सिमेट्री एक्सिस है, याद रखना। मतलब रिंग का जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिलेंडर का सिमेट्री एक्सिस है, और डिस्क का जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सॉलिड सिलेंडर का सिमेट्री एक्सिस है, याद रहेगा ये बात? यस सर, सिमेट्री। सिमेट्री एक्सिस। सिमेट्री एक्सिस का मतलब जो सिलेंडर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। लिख लो।
हो गया सर। नो सर। ओके ओके ड्रॉ करो सर। डन एवरीवन। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। राइट ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर About an axis passing through its center. अच्छा solid cylinder और hollow cylinder जरा ऊपर arrow करके बना दो तो साथ में ही solve कर लेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे तो time बच जाएगा। मैं वापस बोल देता हूँ, moment of inertia of solid और hollow cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its length. Passing through its center and perpendicular to its length. Passing through its center and perpendicular to its length. लिखे सबने? Sir, question एक बार फिर से repeat कीजिए। Moment of inertia of solid or hollow cylinder. Solid or hollow cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its length. And perpendicular to its length. लिखे सर दोनों दूसरे दूसरे तो हम लोग और क्यों लिखे एंड लिख दो। हाँ सर या फिर कॉमा डाल दोगे तो भी चलेगा। अब याद रखना यहाँ पे सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं तो जरा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें दिमाग हिल सकता है बट आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना होगा। सॉलिड और हॉलो दोनों का ही फाइंड आउट करेंगे। ओके अब गाइस यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस तरीके से होगा, ये हमारा सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड जेड डैश जो लेंथ से परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर था? ये लेंथ से। और ये हमारा सिमेट्री एक्सिस था। ओके दैट इज आवर सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। अब गाइस यहां पर जो लेंथ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यस और नो? यस सर। एल बाय टू सर। एल बाय टू। एल बाय टू राइट? यस सर। एक सेकंड, एल अपॉन टू। अब अगर मुझे इसका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गाइस दो चीजें एक साथ मर्ज हो जाती है। यहाँ पे अगर सॉलिड सिलेंडर है, अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है तो गाइस सॉलिड सिलेंडर अगर हम लोग बोलेंगे तो यहां पर जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर एक्सिस वो सिलेंडर में डायमीटर को कवर अप करता है। जैसे कि हमारे पास जो डिस्क था तो डिस्क में अगर हम लोग ये एक्सिस इस तरीके से पास करें तो ये इसकी डायमीटर थी, यस और नो? यस सर। तो ये जो मैंने ग्रीन बनाया है ये डिस्क का डायमीटर बनाया मैंने। क्या बनाया है? डिस्क का डायमीटर। डिस्क का डायमीटर आ जाता है यहाँ पे। ओके सो डायमीटर ऑफ डिस्क
डायमीटर ऑफ डिस्क है, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर एक और भी चीज है, डिस्क प्लस। अब देखो ये जो लेंथ है, ये जो रॉड टाइप का दिखाई दे रहा है ना, हमारा जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा रॉड टाइप का भी दिखाई देता है, जहां पर मैंने लेंथ बनाया हुआ है, ये वाला पूरा पार्ट। यस सर। तो ये वाला रॉड जैसा दिखाई दे रहा है, राइट? तो यहाँ पर रॉड का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाता है। तो रॉड का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। समझ में आया? मतलब यहाँ पर जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, ओके? सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं हम लोग? सॉलिड सिलेंडर का। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, हाँ, सॉलिड सिलेंडर का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे दो चीजें हम लोग एक साथ लिख लेंगे। डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ डायमीटर क्या था? mr² upon 4 प्लस रॉड का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ml² upon 12 Is that clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So, ये सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए हो गया? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। अब अगर मैं हॉलो सिलेंडर के लिए फाइंड आउट करूं, तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, डिस्क की जगह रिंग होगा। डिस्क का, अब रिंग का डायमीटर क्या था? mr² upon 2 Yes. mr² upon 2 plus ml² upon 12 समझे सब? Yes sir. Yes or no guys? Yes sir. लिख लो। याद रखना, हॉलो होगा तो रिंग होगा, सॉलिड होगा तो डिस्क होगा। Let me know if you all are done. Sir, hollow cylinder का एक और बार बताओ ना सर। Hollow cylinder, that is a diameter of ring. It is a diameter of ring, Mahalakshmi. Yes sir. Center moment of inertia of rod, same ना? जहाँ disc है तो ये solid के लिए था, तो hollow में क्या होगा? Ring होगा ना? Yes sir. समझे महालक्ष्मी? क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके ओके।
समझ में आया लिखा सब लोगों ने? यस सर। यस सर। रब करूं? ओके। राइट ऑन क्वेश्चन, आप लोगों को सॉल्व करना है उसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, गायरेशन नहीं निकालना। नहीं नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ सिमेट्री एक्सिस का निकालना है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने निकाल रखा है ना रिंग और डिस्क में। हाँ सर, याद है या भूल गए? रिंग और डिस्क का ऑलरेडी आप लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के रखा हुआ है, सिमेट्री एक्सिस का ही निकालना है, यहाँ पे सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं निकालना है। ठीक है, इतना लेंदी नहीं पूछेंगे। राइट ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर और एंड हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस थ्रू द सेंटर टू बी, थ्रू द सेंटर टू बी एम आर स्क्वायर अपॉन टू, एम आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन टू। शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू इट्स लेंथ, पैरेलल टू इट्स लेंथ इज, आगे डॉट डॉट डाल दो। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस थ्रू दिस सेंटर टू बी एम आर स्क्वायर अपॉन टू। शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू इट्स लेंथ इज, आगे फिल इन द ब्लैंक बना दो। सुने आप लोगों ने? यस सर। शुरू करो।
डन गाइस, क्वेश्चन में ही इसका हिंट दे दिया है मैंने सर, डायग्राम बन गया सर, बट इक्वेशन नहीं समझ आ रहा सर। जो डिस्क आया था वो 3/4 mr स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 3/4 mr स्क्वायर। 3/4 सर, 3/2 mr स्क्वायर। तुम लोग ऐसा तो कुछ भी बोलोगे क्या? डायग्राम कैसे बनाया, डायग्राम बनाया क्या आप लोगों ने? मोहम्मद सिलेंडर बनाया सर, उसके सेंटर से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया है और फिर सिलेंडर के पैरेलल। मोहम्मद स्क्रीन शेयर करो, डायग्राम बनाओ। ओके सर। अरे स्क्रीन नहीं, सॉरी, वो व्हाइट बोर्ड शेयर करो, डायग्राम बनाओ। मोहम्मद इसमें टेंजेंट क्या है? ओके, आप टेंजेंट किससे बना रहे हो, सिमेट्री एक्सिस से या सेंटर से? हाँ मोहम्मद, सिमेट्री एक्सिस से सर। सिमेट्री एक्सिस से, तो सेंटर मत बनाओ ना, सेंटर को रब कर दो। हाँ सर, वो इरेज कर दिया आपने, सिमेट्री एक्सिस को रब कर दिया है। मोहम्मद आपने सिमेट्री एक्सिस को रब, आपने सिमेट्री एक्सिस को रब किया है, सेंटर एक्सिस तो बना ही हुआ है। अच्छा सर, तो मैंने गलत डायग्राम बना लिया है फिर। यस, डायग्राम गलत है। यस सर, एक सेकंड, शेयरिंग स्टॉप करूं सर? हाँ शेयरिंग स्टॉप करूं, मैं बनाता हूं डायग्राम। सबसे पहले आप लोग डायग्राम चेक कर लो अपना। हाँ, कि डायग्राम पहली बात तो क्वेश्चन में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि जो टेंजेंट एक्सिस बनाना है वो सिमेट्री से बनाना है। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है एमआर स्क्वायर अपॉन टू। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आता है आप लोगों को, तो पैरेलल टू इट्स लेंथ बोला है। तो लेंथ बोला है मतलब क्या है? सिमेट्री एक्सिस है। ओके, तो ये हमारा सिमेट्री एक्सिस था। अब इससे टेंजेंट बोला हुआ है, समझे? देखो लेंथ से पैरेलल है या नहीं सिमेट्री एक्सिस। सो दैट इज आवर रेडियस विच इज इक्वल टू एच, राइट? तो ये हमारा टेंजेंट एक्सिस हो गया और ये सिमेट्री एक्सिस है। तो सेम पैरेलल थ्योरम, आई इज इक्वल टू आई प्लस एम एच स्क्वायर। तो हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, सिमेट्री से पैरेलल है। तो सिमेट्री एक्सिस क्या था? अगर सॉलिड लेंगे तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू, राइट? सो 3/2 एम आर स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हॉलो का होगा तो क्या होगा? 2 mr square। समझे? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व कर रखा है। यस सर, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप लोग डायग्राम बना ले रहे हो तो मिस्टेक होगा ही नहीं सर। यही तो बोली सर मैं, सुना आप लोगों ने, अगर डायग्राम प्रॉपर है तो मिस्टेक नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। रुको सर, हॉलो सिलेंडर का लिखने दो। लिख लो, लिख लो, उसके नीचे डायरेक्ट लिख लो ना, हॉलो सिलेंडर। फॉर हॉलो सिलेंडर टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 mr स्क्वायर, दैट्स इट। डन सर। डन? यस सर। आगे बढ़ जाएं, राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर about its diameter, about its diameter,
सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. अब गाइस यहां पे सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं प्रूव नहीं करने जाऊंगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आप लोगों का. ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट सबके डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है इसलिए कुछ करने की खास जरूरत नहीं है. तो ये आपका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया और डायमीटर भी हो गया. समझे आप लोग क्या क्या होगा यहाँ पे? सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया, डायमीटर डायमीटर दोनों ही चीजें यहाँ पर एक साथ आ गई. सुना आप लोगों ने? यस सर. तो अभी गाइस यहाँ पर दो चीजें हैं, उसके पहले यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ. That is the radius of the solid sphere or hollow sphere. So that is the R. अगर आपके पास solid sphere है, तो solid sphere का center moment of inertia है 2 upon 5 m r square. और अगर आप लोगों के पास hollow sphere है, so hollow sphere में जो center moment of inertia होगा that should be the 2 upon 3 m r square. Actually इन दोनों पे ही derivation है, but वो दोनों ही derivations आपके syllabus में नहीं है इसलिए करने की जरूरत नहीं है. Is it clear everyone? अगर फिर भी अगर किसी को चाहिए होगा वो derivation, तो आप मुझे personally contact करना, वो derivations मैं आप लोगों को send कर दूंगा लिख के. But जो चीज सिलेबस में नहीं है उसमें आप लोगों का हार्डवर्क करके कुछ मतलब नहीं है. याद रखना गाइस, ये सारे जो एप्लीकेशंस मैंने इतने सारे इंक्रीज किए हैं, ये एस पर एनसीईआरटी में चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नीट और जेईई में भी इजी हो ये एप्लीकेशंस को समझने के लिए, ठीक है? मतलब नीट जेईई बोर्ड सीईटी में आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड कितने टाइप से न्यूमेरिकल जनरेट हो सकते हैं वो सारे टाइप में आप लोगों को करा रहा हूं. तो आई होप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना. ये सारे एप्लीकेशन आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट हैं. न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा, वन मार्क का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएगा, तो ऐसा घबराना नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया है. एक्चुअली यहाँ पर आपके चैप्टर में रोटेशनल डायनेमिक में दो चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है. तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? पहले पेपर वन में 9 चैप्टर थे, अभी पेपर वन में सिर्फ 7 चैप्टर है. जाहिर सी बात है कुछ चैप्टर तो लेंथी होने ही है. यस सर, एवरीवन. यस सर. तो जिंदा हो ना आप लोग? हाँ सर. सर क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन नहीं लिखा सर. बोल दो क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. हुआ? यस सर. एक क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे? यस सर. यस. राइट ऑन. Moment of inertia of a solid sphere about its diameter is, याद रखना यहाँ पे अगर बार बार diameter diameter बोल रहे हैं तो confused नहीं होना, इसका center और diameter same है, ठीक है? Moment of inertia of solid sphere and a hollow sphere about its diameter. अच्छा मैं हॉलो स्पीयर बार बार छोड़ दे रहा हूँ, तो आप लोगों को याद रखना है, हॉलो स्पीयर का भी फाइंड आउट कर लो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही हो जाएगा, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर एंड हॉलो स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज, अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr² एंड 2/3 mr². मतलब और सॉलिड और हॉलो दोनों का ही दे दिया है, 2/5 mr² एंड 2/3 mr². लिखे? यस सर. यस सर.
show that moment of inertia of solid sphere and a hollow sphere. Show that moment of inertia of solid sphere and a hollow sphere about its tangent is ऐसा दो बना दो fill in the blank. ये solid के लिए होगा solid sphere के लिए और ये hollow sphere के tangent के लिए. ठीक है निकाल पाओगे? Yes sir. Go for it. सर पैरेलल रहेगा ना दोनों में ही? यस टेंजेंट मतलब पैरेलल सर. तो अभी सर टेंजेंट पे से सॉल्व कर रहे हैं ना. सॉलिड स्फीयर का सर 7/5 mr² होगा और हॉलो स्फीयर का 5/3 mr². वेरी नाइस बराबर. लेकिन डायग्राम बना लेना. यस सर ड्राइंग का डायग्राम इस तरीके से होगा. तो ये आपका टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इज इक्वल टू एच. सिंपल से टर्म्स है. आई टी इज इक्वल टू आई डी. आई डी भी लिख सकते हो आई सी भी लिख सकते हो एम एच स्क्वायर. So ID for solid 2/5 mr² plus mr². So it will become a 7/5 mr². Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. अच्छा हॉलो स्फीयर का निकाले. हॉलो स्फीयर का मतलब पहले फिल इन द ब्लैंक में 7/5 mr² और दूसरे में 5/3 mr². अच्छा हाँ अभी आप लोगों ने जो रोलिंग मोशन में जो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन लिखे थे याद है k स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 r² लिखा था आप लोगों ने. तो वो सॉलिड स्फीयर का था तो सॉलिड स्फीयर में 2/5 r² था. तो अगर वो रेडियस ऑफ गायरेशन में पुट करोगे सो यू विल गेट योर आंसर. ठीक है ये लिख के हुआ सबका डायग्राम बना के हुआ? यस यस सर. व्हाट अबाउट अदर्स? हुआ या नहीं? हो गया सर. यस सर हो गया. ओके ओके. अब देखो अगर सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर का अगर आप लोग रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करते हो ठीक है तो रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर का क्या था? 2/5 mr² यही था. अब अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करता हूं तो क्या मिलेगा? आई सी अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन एम 2/5 राइट. तो यहाँ पे 2 के साथ mr² होगा और यहाँ पे mm गेट कैंसिल r स्क्वायर रूट गेट कैंसिल मतलब रूट 2/5 r. तो ये k के लिए था और अगर k स्क्वायर हो जाएगा तो ये पूरा स्टेप 2/5 r² हो जाएगा. ये सुनो yes, ये यूज किए थे ना हम लोगों ने. मैंने कहा था हम लोग प्रूफ जरूर करेंगे इन सारे टर्म्स को जब एप्लीकेशन कराऊंगा. आई होप आप सबको याद होगा. नहीं सर अभी देखना पड़ेगा. अरे रोलिंग मोशन में हम लोगों ने कुछ चीजें फाइंड आउट की थी ना. आपने बोला था एप्लीकेशन में कराओगे इतना याद है. एप्लीकेशन में प्रूफ करेंगे सो दैट इज योर प्रूफ. यस सर. वो तीनों चीजें जो आप लोगों ने रोलिंग मोशन में
यूज किया था वो तीनों चीजों का हम लोगों ने प्रूफ निकाल लिया है रेडियस ऑफ गायरेशन में, एक बार चेक कर लेना. ओके वी स्टॉप हियर एवरीवन, देन एप्लीकेशन का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, बाय ऑल, बाय 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 सर, थैंक यू मैम, बाय सर.